बंदूकें उपजा रहे कंधार के खेत, काबुल पर काबिज हुए चरमपंथ के पेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया और मैं हूं आपके साथ मह कपूर। अफगानिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने अब कथित तौर पर जर्मनी में खाना पहुंचाने का काम संभाल लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान के पूर्व सूचना और संचार मंत्री सैयद अहमद शाह सयादत को जर्मनी के शहर में देखा गया जब वह अपनी साइकिल से खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। सयादत राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार में 2018 में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि 2 साल की सेवा के बाद सयादत ने इस्तीफा दे दिया और पिछले दिसंबर में जर्मनी के लिए देश छोड़ दिया। आइए एक बार जानते हैं आखिर क्या वजह थी उनके इस कदम के पीछे। सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री ने अपने पैसे खत्म होने के बाद फूड डिलीवरी कंपनी लिवरांडो के लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना शुरू कर दिया। सयादत ने कहा कि उनकी कहानी को एशिया और अरब दुनिया में उच्च श्रेणी के लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। आपको बता दें अफगानिस्तान में चल रहे मानवीय संकट के बीच सयादत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन सब के बीच आइए एक नजर डालते हैं सयादत का क्या कहना है अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर। घर वापस स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सयादत ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था एक नागरिक सरकार इतनी तेजी से गिर जाएगी। आपको बता दें कथित तौर पर उनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संचार और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 मास्टर डिग्री है। और इतना ही नहीं, सयादत ने 23 साल से अधिक के करियर के साथ सऊदी अरब सहित 13 देशों में कम से कम 20 कंपनियों के साथ काम किया है। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।